Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that site. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics. As you all know that for the class 11th, we have started our next chapter named as the Laws of Motion, and we have done the one lecture on that. That lecture includes the some of the basic terms related to that, like momentum, like force, which is हम लोगों ने discuss की, and with that we also started the Newton's laws of motion, and we discussed the first two laws of the motion, which includes law of inertia, that was your first law, and the second was law of momentum भी बुला सकते हो जिसे the second one, जिससे हमें mathematical expression for force मिला. Now we are going to indulge or we are going to done with the third law and the various things related to that. So let's start with the our chapter जो हम लोग deal कर रहे हैं, which was laws of motion. चलिए इस पे काम करना फिर से शुरू करते हैं. So the thing that we have to study is third law of motion. So I think ये सबका favorite law है. सीधा सा बात है ना, सबका favorite one है, सब इसे बार बार रिपीट भी करते हैं. सो व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज, इट सेज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट वन थिंग जो हम यहां पे हमेशा मिस्टेक करते हैं, तो हम लोग इस स्टेटमेंट को केवल यहां तक बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक कंडीशन है ये कब काम करता है, एंड दैट कंडीशन इज इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. जब सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा हो, जीरो. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट सपोज वी हैव बॉडी ए, हमारे पास बॉडी ए है, वी हैव बॉडी बी, ओके. सो नाउ बॉडी ए इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉडी बी, तो बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स लगाया, सो दिस इज एफ बी ए. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ बी ए, इट मींस फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए. So what is the force on B due to A? FBA. Similarly, ऐसे ही A पर B force लगाएगा, and we will call this FAB. It means force acting on A due to B. So what does Newton third law says? कि जितना force first body second body पे लगाएगा, उतना ही force second body फर्स्ट बॉडी पे लगाएगा. ये तो हम बोलते हैं कि जितना एक्शन इसने किया उतना ही रिएक्शन ये वापस करके देगा, बट देयर इज अ कंडीशन, एंड कंडीशन इज बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए. सो इफ बोथ द बॉडीज, हम दो बॉडीज को पढ़ रहे हैं ए और बी, सो बॉडी ए एंड बॉडी बी कंबाइनली मिलके एक वर्ड और एक चीज बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बुलाएंगे, सिस्टम. So body A and body B combinedly make a part जिसे हम लोग बुलाएंगे system. So this is the system. A और B को मिला के जो चीज बनी है, जो हिस्सा, जो surrounding बनी है, इसे बुलाएंगे system. So point और condition ये है कि इस system पे बाहर से कोई force नहीं होना चाहिए. The external force should be zero. This is the nature condition. ये नेचर का कंडीशन और नेचर का सिस्टमैटिक काम करने का तरीका है. व्हाट इज दैट मेथड? मेथड इज नेचर में सिंपल चीज बनाई है. तो नेचर ने जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में रखी हैं, तो नेचर ने दोनों या जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में रखी सबको बराबर बराबर हक दिया, सबको बराबर दिया. अगर हमारे पास बॉडी ए है जो नेचर का कोई हिस्सा है, बॉडी बी भी है जो नेचर का कोई दूसरा हिस्सा है, ये जरूरी नहीं कि दोनों के मास बराबर होने चाहिए, ये जरूरी नहीं कि दोनों का साइज या शेप एक जैसा होना चाहिए, बट दो बॉडीज हैं, अलग अलग हैं, पर दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं. अब अगर इन दोनों पे जब आपस में ये दोनों जब फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी ए इज अप्लाइंग फोर्स ऑन बॉडी बी,
जिससे बॉडी डी को फोर्स लग रहा है ए की वजह से, और बॉडी ए पर फोर्स लग रहा है बी का वजह से, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल और अपोजिट होंगे। बट ये तभी पॉसिबल है जब बाहर से कोई इन्वॉल्व ना हो, यानी स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी दोनों लड़ाई कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई नो वैसे लड़ाई करवाना और लड़ाई करना दोनों ही बहुत बुरी बात है, क्योंकि इनसे किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, बट फिर भी आज करवाते हैं, अभी के लिए करवाते हैं, ओके। तो स्टूडेंट ए और बी आपस में दोनों फाइट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स या भगवान ने दोनों को बराबर रखा है हमेशा कैरेक्टर वाइज। तो भगवान ने कहा ये दोनों बराबर ही लड़ेंगे, तो जितना थप्पड़ ए बी पर लगाएगा उतना ही बी ए पर लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को स्लैपिंग बराबर अमाउंट में कर रहे, धाम धूम मारे जा रहे बिल्कुल। पर दोनों की लड़ाई बिल्कुल लेवल पे हो सकती है, बट ये तभी पॉसिबल है जब तीसरा दोस्त आके इन्वॉल्व ना हो बाहर से। नहीं, इस बार मैं आपको कहूंगा ये दोनों जब आपस में लड़ रहे हैं, जितना फोर्स ए बी पर लगा रहा है बी ए पे लगा रहा है, आप बाहर खड़े होकर मजे लो, है ना, खड़े होकर चल हो जाओ। एक्सटर्नल फैक्टर कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर एक्सटर्नल फैक्टर कुछ हुआ, लाइक बाहर से एक दोस्त आ गया बी का, बी का एक फ्रेंड आके बी की तरफ से ए पे फोर्स लगा रहा है, तो ये तो कम पड़ गया ना, फिर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। फिर नहीं कह सकते कि जितना फोर्स ए बी पर लगा रहा है उतना ही बी ए पे लगा रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर। या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया जो ए की तरफ से लगा रहा है फोर्स, तो बाहर से नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बाहर से क्या जीरो होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो। ओके, किसी के दिमाग में आ रहा हो सर 1 न्यूटन बी की तरफ से लगा दो, 1 न्यूटन ए की तरफ से लगा दो। ठीक है भाई, लगा दो 1 न्यूटन आपने बी की तरफ से ए पे लगवा दिया और 1 न्यूटन बाहर से ए से बी, तो फिर भी बाहर वाला नेट कितना हुआ? जीरो हुआ ना। 1 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 1 न्यूटन इसका इस तरफ, तो नेट कितना हुआ? जीरो। दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट लग रही है, तो ए माइनस बी जाएगा तो जीरो हो गया। तो बाहर का नेट जीरो होना चाहिए, नेट जीरो। ओके, नेट जीरो का मतलब मेरा बार बार ये कहने का मतलब हर बार ये नहीं कि बाहर से कुछ लगे ही ना, लग भी सकता है, पर बाहर से ऐसा लगना चाहिए कि जो भी बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर लग रहा है उसका नेट इफेक्ट जीरो हो। चलिए 1 न्यूटन बी की तरफ से आ गया, एक दोस्त बी का आ गया, एक दोस्त ए का आ गया, फिर भी लड़ाई बराबर ही चली। बट ऐसा ना हो कि बी के दोस्त ज्यादा आ गए ए के कम, फिर तो पीट जाएंगे बेचारे को, या ए के दोस्त ज्यादा आ गए वो बी को पीट जाएंगे, फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। ओके, सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। ओके, सो दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Now, if I give you the sum of the example, तो एक छोटा सा point लिख लेते हैं, what is applications? Third law की applications बहुत है, okay? First law की भी applications है जो हम लोगों ने देखी, जैसे if a vehicle suddenly start होता है, तो आप पीछे की तरफ back fall करते हैं, it is the inertia of rest। अगर आप एक vehicle suddenly brake लगाता है, तो आप सड़क आगे की तरफ fall करते हैं, it is the inertia of motion। आप सडनली शार्प लेफ्ट या राइट टर्न ले लेते हो, तो अगर आप राइट टर्न ले लेते हो तो आप लेफ्ट की तरफ गिरना आपको लगता है, मैं लेफ्ट की तरफ गिर रहा हूँ, तो आप लेफ्ट की तरफ नहीं गिर रहे हो, आपकी बॉडी तो सीधा ही चल रहा है, बट आपकी बॉडी आपकी व्हीकल ने राइट टर्न ले लिया है, राइट टर्न लिया है, तो आपका जो बॉडी है वो तो स्ट्रेट रहना चाहता है और आप राइट घूम रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं लेफ्ट की तरफ गिर रहा हूँ, इट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये हमारे फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है। सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस, वो तो सीधा सा बात है जो हम लोग हमेशा डेली लाइफ में देखते हैं, दैट फोर्स इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, डीपी बाय डीटी, जिसे आगे जाके सॉल्व करने के बाद क्या मिला, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक्सेलरेट यानी मोशन में आती है। ओके, तो ये सोच रहा हो सर आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दी वॉल, बट वॉल तो नहीं है, तो मैं आपको प्लीज फोर्स की डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। हम यहाँ पे उस फोर्स का बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कौन से फोर्स का बात कर रहे हैं, दैट एक्सटर्नल एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट, चेंजिंग द शेप और चेंजिंग द डायरेक्शन। So here we are talking about that force which is responsible for changing the state, shape and the direction. हम उसी shape force का बात करेंगे जो body का state change करने में capable हो। वो force नहीं जो आप wall पे लगा रहे हो but wall move नहीं कर रहा है,
या एक ऐसी हैवी बॉडी पे लगा रहे हो जिसे आप धक्का ही नहीं मार पा रहे हो, फिर आप कहेंगे सर आप न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स लगाने से तो बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, यहाँ तो नहीं आ रहा। तो उस फोर्स को डिफाइन कीजिए कि हम केवल उसी फोर्स का बात कर रहे हैं जो कैपेबल हो, जिस फोर्स की वजह से ये पॉसिबल नहीं है वो हमारे लॉज में इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, सो नाउ दिस इज द सेकंड थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ की एप्लीकेशन जो आप लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, जो हमारा वॉकिंग फॉरवर्ड ऑन ग्राउंड, हम ग्राउंड पे आगे की तरफ कैसे चलते हैं, हाउ वी मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये किस तरीके से होता है। तो ये आप जानते हैं दैट कि हम ग्राउंड को पीछे की तरफ फोर्स करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं और ग्राउंड हमें उसका आगे की तरफ देता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट स्प्रिंकलर्स स्प्रिंकलर्स इन लॉन, तो लॉन में जो स्प्रिंकलर जिन्हें हम फवारे बुलाते हैं, आपने देखा होगा जब वाटर जेट आता है, जब पानी आता है तो फवारे गोल गोल घूमना शुरू होते हैं, क्योंकि हम उनका ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से रखते हैं कि वो फोर्स पीछे की तरफ लगाता है और इस तरीके से वो एक रोटेशन मोशन में आ गया। सो बाय दिस मैनर देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स जो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बिलोंग करते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं एंड आई होप वी कैन ऐड इट। तो प्लीज आफ्टर दिस दो तीन और आप ऐड कर लीजिए जो आपको दिखते हैं लगते हैं। ओके, सो दिस इज आवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट वी अप्लाइड हियर, दैट द न्यूटन्स लॉ हैज बीन अप्लाइड ऑन दी थर्ड, तीन जगह पे हमने लगाए न्यूटन के लॉस, फर्स्ट लॉ, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू यूज दिस लॉस, अब हम इन लॉस को यूज करेंगे अलग अलग चीजों को स्टडी करने के लिए, बट बिफोर डीलिंग विद दैट मैं कुछ चीज और क्लियर कर देता हूं, एंड दैट थिंग इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज योर वॉट रियल लॉ, मीन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा रियल लॉ है, मेन लॉ यही बेस है जो है वो। सो यानी हम इन तीनों में से सबसे सुपीरियर सेकेंड लॉ को मानते हैं। व्हाई? बिकॉज़ सेकेंड लॉ इज कैपेबल ऑफ प्रूविंग फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ, यानी जो सेकेंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को प्रूव कर सकता है। यानी हम सेकेंड लॉ को अगर पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ को समझते हैं, तो हम उससे फर्स्ट लॉ भी वेरीफाई कर सकते हैं और थर्ड। So let's have the verification. चलिए verify करते हैं first और third को. So first of all, first law. So first law को तो आप जानते हो. What does first law says? That a body will remain in the state of rest or in the motion unless until an external force is applied. So चलिए first law को verify करते हैं. So now, according to second law, हम लोग तो use तो second law को करेंगे. So according to second law of motion, F is always responsible for dp by dt. External force is always equal to rate of change of linear momentum. Now, if F is equal to 0, if external force applied is 0, तो क्या आया? 0 is equal to 10, क्या result आएगा? dp by dt. What is the meaning of dp by dt? इट मीन्स मैथमेटिकली अगर बोले तो डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी मोमेंटम का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, तो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ किया तो जीरो आ रहा है। अब रिवाइज कीजिए अपने मैथमेटिकल टूल्स की प्रॉपर्टीज में, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी दैट कि किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, विच कैरेक्टर और विच टर्म गिव्स द डिफरेंशिएशन रिजल्ट एज अ जीरो, क्या कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये चीज क्या इंप्लाई कर रहा है कि p कांस्टेंट होना चाहिए, अगर p कांस्टेंट होगा तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो हम लोगों ने यही यूज किया कि अगर फोर्स जीरो है तो ये रिजल्ट बनेगा, और अगर ये रिजल्ट जीरो है तो इसका मतलब p कांस्टेंट होगा। p क्या होता है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो इसका मतलब m into v कांस्टेंट होना चाहिए। अब मास जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रहता है किसी भी गिवन बॉडी का, जिसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। सो व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी गॉट, हमें क्या कंक्लूजन मिला?
कि अगर फोर्स जीरो है तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। एंड इफ यू रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर, तो जब मैंने आपको फर्स्ट लॉ लिखवाया था तो मैंने उसके नीचे मैथमेटिकली लिखा था वाई, कि अगर बाहर से फोर्स जीरो है तो बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। मींस इफ द बॉडी वेलोसिटी जीरो तो वो कितनी रहेगी, जीरो ही रहेगी। यानी अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट ही रहेगा, जीरो है तो जीरो रहेगा जब तक फोर्स जीरो है। और अगर बॉडी 10 मीटर पर सेकंड है तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा जब तक फोर्स जीरो। यानी जब तक फोर्स जीरो है बॉडी में कोई चेंज नहीं होगा, बॉडी जिस स्टेट में है उसी में ही रहेगी। सो हेंस क्या हुआ, फर्स्ट लॉ इज वेरीफाइड, हो गया। सो दिस इज द वेरिफिकेशन और द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट लॉ बट बाय यूजिंग सेकंड लॉ। डन, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द थर्ड लॉ। चलिए थर्ड लॉ को प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग द सेकंड लॉ अगेन। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सो वी विल राइट अगेन। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डन, नाउ वी विल टेक द सेम एग्जांपल। बॉडी ए इज अप्लाइंग द फोर्स एफ ए बी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, एंड बॉडी बी is under a force of FBA. So what is the meaning of FAB, FBA? We have already written. This is your system. और बाहर से external force कितना होना चाहिए? Zero. So now again, if external force is zero, okay? अगर external force zero है, किसके ऊपर लग रहा external force? When we say the external force is zero, it means we are talking about the force acting on what? Force acting on system. हम किसकी बात कर रहे हैं? जो force system पे लग रहा है, ना कि A पर और ना कि B पर। हम बात कर रहे हैं पूरे system पे force zero होना चाहिए, A और B दोनों का net। तो पूरे system पे force zero है, तो इसका मतलब zero is equal to d by dt, but momentum किसका? System का। क्योंकि हम पूरे सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तभी तो दोनों का को स्टडी करने के बाद न्यूटन थर्ड लॉ आएगा। सो इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन द डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू जीरो। ओके, सिस्टम किससे बना है? द सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू बॉडी, मोमेंटम ऑफ ए एंड मोमेंटम ऑफ बी। सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम का डिफरेंशिएशन जीरो है। तो पी ए मींस मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी, यानी वेक्टर फॉर्म में रख लेते हैं इसे। ओके, सो पता नहीं ना दोनों का मोमेंटम सेम डायरेक्शन है अपोजिट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। सो वी विल से द मोमेंटम ऑफ ए एंड मोमेंटम ऑफ बी का सम जीरो होना चाहिए। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए वेक्टर, इसका मतलब पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर, जो हमारे दोनों मोमेंटम है। सो द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड बॉडी, तो अगर हम दोनों को सेपरेटली लिखे तो इसका मतलब डी पी ए वेक्टर बाय डी टी मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड, दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होना चाहिए। ओके, सो दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है? बॉडी ए, और बॉडी ए पर फोर्स कितना लग रहा है? एफ ए बी। ओके, सो एफ ए बी वेक्टर प्लस व्हाट इज दैट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, और सेकंड बॉडी पे फोर्स क्या लग रहा है? एफ बी ए वेक्टर should be equal to zero, यानी FAB plus FBA का सम zero होना चाहिए जब external force on the system zero है। और अगर आप इसको इस तरफ लेके आते हैं, so what we got? FAB vector is equal to negative of FBA vector. And what does it verifies? It verifies that both the forces are equal in magnitude. The force acting on A due to B
is equal to force acting on B due to A. But this negative sign implies that they are in opposite direction. Means जितना फोर्स ए डी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगा अगर बाहर से एच सिस्टम के ऊपर फोर्स जीरो होना चाहिए. एंड इट वेरीफाइज व्हाट? इट वेरीफाइज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो व्हाट वी गेट हियर, हम लोगों ने यहां से क्या सीखा? वी गेट लर्न दैट सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को प्रूफ और वेरीफाई कर सकते. और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ. सो आफ्टर वेरीफाइंग फर्स्ट लॉ एंड आफ्टर वेरीफाइंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज बीन प्रूव्ड? इट प्रूव दैट सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. तो आप लोग इसे रियल मेन, सबसे मेन लॉ यही है हमारा जो हम बार बार यूज करेंगे, क्योंकि इससे फर्स्ट भी वेरीफाई हो गया और थर्ड भी वेरीफाई हो गया. So at the end, after verifying both of them, it is my mandatory, क्योंकि मेरे पास space नहीं है, तो आप लोग mention करेंगे कि हम लोग क्या prove करने जा रहे थे. We are going to prove that second law is the real law, and we proved it by proving the first and by proving the third by using the second law. So that's why at the end you will mention that the second law is the real law, hence proved. Or you can say hence it has been verified that second law is the real law. Okay, so this is a one small topic, एक छोटा सा derivation था जिसमें हम second law को real law verify करते हैं. And I hope I am clear with that. Okay, with any doubt आप लोग पूछ सकते हैं. Now, since we verified the second law as a real law, तो अब हम लोग Newton के third, first, second और third law को डिली कर चुके हैं और अब हम इन laws की help से application सीखेंगे. But before learning the application, I want to clear one more topic of the laws of motion. एक और topic है जिसे मैं आपके साथ discuss करना चाहूँगा, and that topic is impulse. So I want to discuss with the impulse. तो impulse एक छोटा सा topic है, okay? ज़्यादा time नहीं लेगा, 10 to 15 minutes. तो इसे cover up करके फिर अपने Newton के laws की help से अलग-अलग varieties के questions और अलग-अलग cases को deal. So first of all, impulse. तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले I want to give you one simple example. मैं आपके सामने एक example रखना चाहूँगा. And that example is that जब हम ये बात करते हैं, when we talk about whenever the external force is applied on a body, जब भी आप किसी भी body पे external force applied करते हैं, then the momentum of the body changes, linear momentum, जो कि body में acceleration लेके आता है. यानी जब भी हम किसी भी body पे force लगाते हैं तो बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है. नाउ इंपल्स डील्स दैट, इंपल्स ये डील करता है कि बॉडी में क्या चेंज आया और कितना चेंज आया. मींस जब भी हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में कुछ वैरायटी के चेंजेस आएंगे डेफिनेटली. बट पॉइंट इज दैट कि उस बॉडी में वो चेंजेस आए वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, दैट हाउ मच चेंजेस इन द बॉडी, जो भी आया बॉडी में वो किस चीज पे डिपेंड किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बोलेंगे सर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. तो व्हाटएवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वही डिसाइड करेगा कि उसकी वजह से बॉडी में कितना इफेक्ट आया, बॉडी में कितना चेंज आया. बट देयर इज वन मोर फैक्टर जिसको हम भूल जाते हैं, हम डेली लाइफ में उसे यूज भी करते हैं, उसको ध्यान में भी रखते हैं, बट उस फैक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस फोर्स की इफेक्ट पे. एंड दैट इफेक्ट और दैट फैक्टर इज और दैट क्वांटिटी इज टाइम. व्हाट इज दैट टाइम? ये भी मायने रखता है कि जब भी आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी बॉडी, फॉर हाउ मच टाइम इंटरवल दैट यू आर अप्लाइंग, कितने टाइम इंटरवल के लिए आप लोग ऐसे अप्लाई कर रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन द बोर्ड बट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए मैंने फोर्स लगाया, सो व्हाट एवर बी द चेंज कितना आ सकता है. But whenever I say that I applied the force on the board for 1 second, so when I say that, जब मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ, तो देखो दोनों के impact अलग है. इसमें sound हुआ, उसमें sound produce नहीं हुआ. यही चीज हम लोग hammer के साथ करते हैं. Remember hammer and nail example. Okay, आपके पास एक nail है, ये हम लोगों ने 9th class में भी पढ़ा था, 9th 10th में भी. तो एक nail और hammer है. You are hitting the nail with the hammer. आप हैमर से नेल को हिट कर रहे हैं,
बट आप क्या नेल को इस तरीके से इंडल्ज कर रहे, नेल रखो, हैमर लगाओ और एक काम करो उसे प्रेस करो पूरा जितना ताकत है, क्या आपका नेल कभी भी वॉल के अंदर जाएगा? नो सर। बट अगर हम उसे स्ट्राइक करें और फोर्स को फिर वापस से हटा लें फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के लिए फोर्स लगाओ और फिर हटा लो, फोर्स लगाओ फिर हटा लो, तो अगर ये करते हैं तो उसका इफेक्ट और भी अच्छा होके आता है। सो द पॉइंट इज दैट कि टाइम भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फोर्स के इफेक्ट को बताता है, और इफ इट इज सो तो अब हम लोग उसे ही स्टडी करने जा रहे हैं और उसे इफेक्ट स्टडी को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, इंपल्स। सो व्हाट इज द इंपल्स? इट इज द इफेक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। It is the effect of large force acting on a body for a small interval of time. तो जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, बड़ा फोर्स लगाते हैं बट थोड़े से टाइम के लिए, तो उसका जो इफेक्ट निकल के आता है उसे ही हम लोग इंपल्स बुलाते हैं। जैसे हैमर और नेल का एग्जांपल दिया मैंने आपको। सो अगर ऐसा है, इफ इट इज हैपनिंग दो, अगर यही होने वाला है तो हम लोग इसे न्यूमेरिकली इंपल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ large force and time interval, जितनी देर के लिए आप लोगों ने उसे लगाया, time interval of acting। तो impulse क्या है? Impulse it is the product of force and the time interval, जितनी देर के लिए आप लोग उसे लगा रहे। So what we have a formula for the J? J has a formula F into T. Got it? So this is the impulse. So let's talk about its SI unit. अब बात करना शुरू कर देते, चलो जल्दी जल्दी। So what would be the SI unit? SI unit is Newton second. Let's have the dimension formula. So it would be MLT minus 2 into T. So it become MLT minus 1. So the dimension formula is MLT minus 1 and SI unit is Newton second. और अगर CGS में बात करें तो सेकंड यानी टाइम का CGS सेकंड ही होता है, बट न्यूटन का CGS डाइन, तो आप इसे डाइन सेकंड में भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर। डन? ओके, चलिए इसे थोड़ा सा और रीडिफाइन करते हैं। सो सिंस वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अब यही लॉ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे रियल लॉ यही है। तो आपको इन फ्यूचर मोस्टली इस चैप्टर में यही लॉ अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा या इसके जो भी रिजल्ट आए वही। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दैट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन मोमेंटम फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, यही होता है एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड। सो बाय वन एंड टू क्या पता चला भाई, J is equal to small change in momentum for a small time interval. But ये T क्या represent करता है? T represents time interval. और यहाँ पे हमने time interval कितना लिया? Small dt. तो यहाँ पे भी हम लोग dt ले लेते हैं भाई. So I'm replacing the T with the dt. क्योंकि small time interval के लिए हम लोग study कर रहे हैं. So dt cancel with the dt और J क्या आया? dp. What is the meaning of dp? और या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं डेल्टा पी। What does it represents? Change in momentum. So impulse is also equal to what? Change in momentum. किसके इक्वल है impulse? Change in momentum के। Okay? Force किसके इक्वल है? Rate of change in momentum. तो थोड़ा फर्क हो गया न्यूटन के सेकंड लॉ और इंपल्स की डेफिनेशन में। That force is equal to rate of change of momentum. और इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम।
तो हम इसे और तरीके से डिफाइन कर सकते, तो और करके इसकी एक और डेफिनेशन, दैट इंपल्स इंक्लूड्स इंक्लूड्स द चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी, द चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी। तो इंपल्स क्या स्टडी करता है कि बॉडी में क्या चेंज हुआ, इंपल्स सॉरी इंपल्स क्या स्टडी करता है सॉरी इट इंक्लूड्स कि बॉडी में क्या चेंज हुआ, मोमेंटम। सो व्हाटएवर बी द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जितना भी चेंज होगा वही हमारा क्या होगा, इंपल्स के निमाने के लिए। और अगर हम इसे थोड़ा और देख लेते हैं भाई, तो चलिए डी बाय एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम, तो कैसे लिखोगे इसे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बताइए फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और क्या कॉमन आ गया मास, तो क्या बचा वी माइनस वी। आई थिंक हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द वैरायटी जिससे हम लोग इंपल्स को कैसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इंपल्स के मल्टीपल फॉर्मूलेज बन रहे हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें बेसिकली पता चला, दैट व्हाट इज द इंपल्स, इट इज द इफेक्ट ऑफ लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब भी हम एक बड़ा फोर्स छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, और न्यूमेरिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टू टाइम। पर जब हम लोगों ने इसे इंपल्स यानी न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ अप्लाई किया, वी फाउंड दैट इंपल्स इज न्यूमेरिकल इक्वल टू ओनली चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बट इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ओके, जब हमने मोमेंटम के चेंज को लिखा भाई वी फाइनल माइनस इनिशियल, और वेलोसिटी के टर्म में हमें जे का फॉर्मूला क्या मिला, एम ब्रैकेट वी माइनस वी। तो यानी जे के मल्टीपल फॉर्मूलेज मिल चुके हैं आपको, और यही आपके न्यूमेरिकल का ग्रैबिंग पॉइंट है, यहीं से आपको न्यूमेरिकल पकड़े जाएंगे, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है यहाँ पे, तो यहीं से आपको सारे फॉर्मूले ग्रैब करने, यही चीज होने वाला है। गॉट इट? सो दिस इज द टॉपिक ऑफ इंपल्स जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना। ओके, बट बिफोर लीविंग अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें एड करना, सो नाउ वी विल डिस्कस कि आपको पता चला कि हमारे पास इंपल्स के मल्टीपल फॉर्मूलेज है, तो एक और वैरायटी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, एंड दैट वैरायटी इज ग्राफिकल टेक्निक और ग्राफिकल मेथड। सो लेट्स सपोज वी हैव द वेरिएशन ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम, किसका फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़ाते हैं। सो यू ऑल नो दैट टाइम इज ऑलवेज बीन टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड फोर्स को वाई में ले लिया मैंने। So let's suppose हम लोगों ने एक बॉडी पे फोर्स लगाया जो भी है, when the time was zero, and we are applying the constant force, हम उस बॉडी पे constant F force लगा रहे हैं, कहां तक, C point यानी T time interval पर, we are applying that constant force, okay? So जब time zero था, when time is equal to zero, तो बॉडी पे फोर्स F लग रहा था, let's suppose that force is F. ओके, एंड वी आर अप्लाइंग द कांस्टेंट फोर्स, कैसा फोर्स लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स और वो भी टी टाइम इंटरवल पे। सो हेल्प मी आउट, सो दस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ओके, ये मैंने शेडिंग कर दिया, सो एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट मींस एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ मींस एरिया ऑफ ए बी सी डी। सो व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विड्थ, और वो क्या है, लेंथ इनटू विड्थ क्या है, फोर्स इनटू टाइम, बट फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, इंपल्स। और यहीं से हमें एक और चीज सीखने को मिली, दैट एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू इंपल्स, यानी फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको किस चीज की वैल्यू देगा, इंपल्स की वैल्यू देगा। ये न्यूमेरिकल एग्जैक्टली बेटा वैसे ही है जैसे हम लोगों ने मोशन इन 1D, चलो आज रिकॉल करवा देता हूं, रिमेंबर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो व्हाट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव यू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता था हमें, डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, आज ये न्यूमेरिकल एग्जैक्टली वैसा ही है। एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हेन यू गेट द लिंक
और जब आप लोग उस असाइनमेंट को डाउनलोड करेंगे और आप उसे स्टडी करेंगे, यू विल फाउंड दैट द न्यूमेरिकल्स आर सेम, बस कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई विल से मैकेनिक्स जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स में, वो बहुत लेंथी है बट डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आप इसके लॉजिक समझते जाएंगे, मैकेनिक्स इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ब्रांच, और यू कैन से वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन ऑफ द फिजिक्स बनने वाला है। तो लोग बहुत डरते हैं इसको लेके, बट ये सबसे आसान बनने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, सो अब हमें, अगर मैं आपसे ओवरव्यू में बात करूं, तो अब हमें इंपल्स के मल्टीपल फॉर्मूलेज मिल चुके हैं भाई। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। फर्स्ट, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। सेकंड, इंपल्स इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। ओके, द थर्ड वन एट द बॉटम, इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फोर्थ, इंपल्स इज इक्वल टू एम इनटू वी माइनस यू। एंड द फिफ्थ, अगर हमारे पास ग्राफिकल है या ग्राफ है, then we will say impulse is equal to area under force versus time. Okay, so with all these note you can solve all the numerical jo aapko assignment mein available hone wale hain aur jinko leke aap log apna work karenge. Okay, so now we are going to discuss, ab since hum logo ne impulse padha to shayad aapke dimag mein ek sawal aa raha hoga ki sir, मतलब क्या जरूरत क्या थी इसको पढ़ने की? Why it has been that much necessary कि हम लोग फोर्स को कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, ये मैटर करता है। सो लेट्स हैव सम एप्लीकेशंस ऑफ द इंपल्स। तो चलिए कुछ एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्टली द कॉमन एप्लीकेशन जो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देखा है, एंड नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में इस पिक्चर को भी देखा होगा, आपसे यही करवाया और यही चीज आपसे स्टडी की गई। ओके, सो कि बट एट दैट टाइम वो इतना ज्यादा मैटर या इतना ज्यादा इंपल्स का टॉपिक नहीं था। सो आज उसे क्लियर करेंगे। एंड दैट पॉइंट इज दैट व्हाइल कैचिंग अ क्रिकेटर, अ क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड। So, ये चीज तो आपने देखा भी होगा, आपने खुद भी फील किया होगा, और आप लोगों ने नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी बुक में रिमेंबर, कोई कैच कर रहा पीछे की तरफ जा रहा है। सो व्हाई, जब भी हम लोग कभी भी कैच लेते, व्हेनेवर वी आर होल्डिंग द बॉल, जब भी हम बॉल को कैच करके होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा अपने हैंड को पीछे की तरफ ले जाना प्रेफर क्यों करते हैं? व्हाई वी प्रेफर लाइक दैट, ऐसा क्यों? ओके, आप सोच रहे हो सर बहुत सारे क्रिकेटर से नहीं करते, अच्छी बात है वो उनकी टेक्निक है और बहुत सारी प्रैक्टिस होने के बाद इतना पेन नहीं होता, बट एज यूजुअल एक जनरल एक्सपीरियंस तो यही कहता है। सो व्हाई इट इज दैट, ऐसा क्यों है? सो सिंपल, जब भी आपका बॉडी आपके हैंड की तरफ फॉल कर रहा है, सो व्हेन दिस बॉल इज फॉलिंग टुवर्ड्स द हैंड, सो इफ इट इज एग्जांपल ऑफ द हैंड, सो बॉल विद अ सर्टेन वेट और सर्टेन वेलोसिटी के साथ, तो बॉडी के पास अपना मास है, ओके, बॉडी के पास अपनी वेलोसिटी है, तो मास है वेलोसिटी है, और जैसे ही आपके हैंड में आएगा तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो पहले आपका मोमेंटम मान लीजिए 10 केजी मीटर पर सेकंड था, डन, और अब आपका मोमेंटम हो गया 0 केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपने फाइनली बॉल को रेस्ट में लिया है, तो आपने चेंज इन मोमेंटम कितना किया? 10। अब चेंज इन मोमेंटम हुआ इन अ गिवन टाइम, तो किसी भी टाइम इंटरवल में अगर मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और आपके हैंड को या आपके हाथों को वो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर वो ज्यादा हुआ तो हम लोग उसे बोलेंगे यार बहुत तेज लगा, इंजरी हो गई। ओके, बट अब हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लोअर डाउन आवर हैंड, हम लोग अपने हाथों को नीचे करके लेके जाएंगे। अब इससे होगा क्या? दैट द मोमेंटम ट्रांसफर, जो मोमेंटम पहले बॉडी के पास 10 था और अब बॉडी के पास 0 हो गया, तो बॉडी के पास मोमेंटम कितना था? 10, और अब 0, तो बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? 10 0 माइनस 10 यानी माइनस 10 बॉडी ने लूज कर दिया, बट वो मोमेंटम गया कहां? यानी वो फोर्स का इंपैक्ट गया कहां? हैंड में। तब हम लोग क्या करने वाले हैं? हैंड को नीचे की तरफ खींचेंगे। अब इससे होगा क्या? जब हम लोग हैंड को नीचे की तरफ लाएंगे तो फोर्स लगने का टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो वी ऑल नो दैट जे इज इक्वल टू एफ इन टू टी। So for given impulse, जो भी बॉडी का इफेक्ट है,
तो उस गिवन इंपल्स यानी कांस्टेंट इंपल्स के लिए f इंटू टी कांस्टेंट है और f इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन टाइम, जिसका मतलब फोर्स टाइम के साथ कैसे रिलेट है, इनवर्सली। फोर्स टाइम के साथ कैसे रिलेट है, इनवर्सली, अगर आपका इंपल्स कांस्टेंट है तो जो भी बॉल्स आ रही है उसका जो भी इफेक्ट होगा उस गिवन इफेक्ट के लिए फोर्स और टाइम इनवर्स की है। इसका मतलब अगर उस इफेक्ट के लिए हम टाइम को ज्यादा लगा दें, अगर हम टाइम को ज्यादा कर दें तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और इस वजह से हमारे हाथ पे जो फोर्स लगेगा या उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा एंड बाय दिस मैनर हमें इंजरी नहीं होगी, वी कैन सेव आवरसेल्फ। So this is the first application with the mathematical reason जो आप लोगों ने 9th class में पढ़ा, okay? Similarly ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपसे first एक और example दूँ that when you jump from the certain height, मान लीजिए आप कुछ height से ball से दीवार से jump करते हो and at the bottom दो condition है, condition number one एक concrete का floor है, ठीक है, एक cement का floor है, second condition वहाँ पे मिट्टी है, just only sand पड़ा हुआ है, तो किस में आपको इंजरी ज्यादा हो, सीधी सी बात है कॉन्क्रीट वाले में, मिट्टी वाले में नहीं, क्यों, क्योंकि जब हम मिट्टी पे जंप करेंगे तो हमारा वेट वही बॉल की तरह है और हम लोग मिट्टी में सर्टेन डेप्थ तक पेनिट्रेट हो जाएंगे, कुछ गहराई तक हमारे पैर चले जाएंगे उसमें, क्योंकि वो सॉलिड नहीं है, और अगर हम कुछ गहराई तक जाएंगे तो वो जो इम्पैक्ट है, जो भी गिवन इम्पैक्ट बॉडी और मिट्टी का हो रहा है उस गिवन इम्पैक्ट के लिए हमारा फोर्स और टाइम फिर से इन्वर्स की, और जब हम मिट्टी में थोड़ा सा नीचे तक जाएंगे तो वो जो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट है हमारा मिट्टी का वो ज्यादा होगा और जब टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा और बाय दिस मैनर हमें फिर से इंजरी कम होने वाली है। ओके, दैट इज दी अनदर वन, तो एक और दे दिया। अगर मैं आपसे और एग्जाम्पल डिस्कस करूं तो एक और एग्जाम्पल आ रहा है जो हम लोग जनरली इंजीनियर्स करते हैं, दैट इन ऑटोमोबाइल, किसी भी गाड़ी को बनाने के लिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज करते हैं एंड दैट एसेंशियल इक्विपमेंट इन एवरी व्हीकल इज शॉकर्स। क्या शॉकर जो यूज करते हैं ना, जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगे जब भी आप किसी गड्ढे में या बल्कि जगह पे जाते हो, तो शॉकर आर जनरली मेड अप ऑफ स्प्रिंग, तो वो वही है कि जब भी आप गड्ढे में जाते हो तो अचानक से आपका जो बम्पीनेस लगती है, जो आपकी गाड़ी को बम्प लगता है, वो जो फोर्स आप तक आता है, जो आप अंदर बैठे हो गाड़ी के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी के फ्रेम के अंदर, तो शॉकर में स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग को कंप्रेस और एक्सपैंड, तो जब भी कोई भी मान लीजिए कोई पत्थर आया तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ जाएगा, कंप्रेस होगा टायर की हेल्प से, और जब वो कंप्रेस होगा तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन इट विल टेक द टाइम, उसे कुछ टाइम लगेगा और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा और हमें शॉक भी कम लगेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इंपल्स को स्टडी करने में हमें हेल्प करेगा और आप लोग इसे नोट कर लेंगे, कैचिंग ऑफ द बॉल, जंपिंग ऑन द मडी एंड द कंक्रीट, शॉकर्स, रेलवे बफर्स। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक और एग्जांपल जो बफर मुझे याद आया अभी, रेलवे बफर्स मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेल के कंपार्टमेंट होते हैं, रेल के जो डिब्बे होते हैं, जिन लोगों ने रेल के अंदर ट्रैवल किया है, तो दो कंपार्टमेंट को जब जुड़ते हैं, दो कंपार्टमेंट जब ज्वाइंट होते हैं, तो आप अगर बाहर से देखें तो उनके बीच में रबर टाइप का कुछ लगा होता है स्प्रिंग का, दो कंपार्टमेंट को जोड़ने के लिए। ओके ओके, बीच में आपको एक पैसेज रास्ता मिलता है जिससे आप ट्रेन के अंदर एक कंपार्टमेंट से दूसरे जा सकते हो, बट बाहर से अगर आप देखें तो आपको बफर्स जैसा दिखाई देगा, प्लास्टिक रबर जैसा ब्लैक कलर का, उसे बफर्स बुलाते हैं। वो एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे, क्या काम कर रहा है, जैसे आपके शॉकर्स की स्प्रिंग वर्क कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द पार्ट जो हम लोग यहां पे यूज करने वाले, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपल्स। सो यहां पे आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, दैट वी लर्न अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो हमारे लिए रियल लॉ है, and after that we studied about the impulse. Okay, so that is whole in this lecture, that is the everything jo maine yahan pe rakhi hai, so please go through that, note it down all the data and then in the assignment aapko kuch impulse ke numerical milenge kuch practice ke liye, so please solve them, please ask, agar koi doubt aate to please ask again,
अगर किसी के डाउट का अगर प्लीज मैंने रिप्लाई नहीं किया है सो ड्यू टू दैट सम बिजीनेस और कुछ भी अदर एस्पेक्ट प्लीज सो प्लीज अगेन वापस से टेक्स्ट कर दीजिए सो दैट आई कैन सी इट अगेन और मैं आपको वापस से रिप्लाई कर सकूं. ओके सो विद दैट नोट प्लीज नोट इट डाउन एवरीथिंग. ये एप्लीकेशंस आप लोग ऐड करेंगे और इन फ्यूचर अगर आपको बुक्स में कहीं पर और एप्लीकेशन मिलती हैं यू कैन शेयर यू कैन राइट डाउन इन योर नोट्स आप अपने आप लिख सकते हैं. ओके सो विद दैट पॉइंट दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. डाउनलोड द लिंक फ्रॉम द असाइनमेंट जहां से आपको असाइनमेंट मिलेगा. कंप्लीट द असाइनमेंट ऑफ द इंपल्स जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे खत्म कीजिए एंड वी विल प्रोसीड टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे आगे जाके जैसे एलिवेटर प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स. ये न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे. ओके सो सी यू देन टिल देन स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर वर्क एवरीवन.